बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज जो है हम ज़रे मसाइल का हाथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पीछे वाले लेक्चर में हमने जो है हमारे ज़रात को जो दरपेश मसाइल हैं उनके बारे में पढ़ा था कि हमारे ज़रात में कौन कौन से मसाइल पेश हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। आज जो है हम उनका हल निकालेंगे कि हम ऐसे इसको कैसे हल करें तो हमारी ज़रात जो है वो बेहतर हो सकेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हेडिंग बना के लिख देता हूँ ताकि आपको याद करने में जो है आसानी हो जाए। सबसे पहले देखें हेडिंग बनाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हेडिंग को बनाने के लिए ठीक है, दूसरे नंबर पर बारिशों का पानी, बारिशों के पानी को जखीरा करना। तीसरे नंबर पे है ट्यूबवेल कुएं खोदने की हौसला अफजाई। ट्यूबवेल कुएं खोदने की हौसला अफजाई। ठीक है, उसके बाद है सैफ और छोर के लिए तवील मुद्दत मंसूबाबंदी। ठीक है, उसके बाद काबिल काशतबा सैंसी काश के जदीद तरीकों का जदीद तरीकों को फ़रोग देना। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद इस्तेमाल आराजी के लिए आसान और बेहतर कानून साजी, सैलाबों उसके बाद जो है सैलाबों और दीगर बरानी अफात आफात से बचाव की तदाबीर। उसके बाद ज़रूरी इजलास की बेहतर कीमतें। उसके बाद नकल हमल की तरक्की। ठीक है, या आज के जो हमारे सबक में हेडिंग्स बन रही थी मैंने उनको लिख दिया है, आप जो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। अब हम जो इसको डिस्कस करते हैं, सबसे पहले है बिला सूद कर्ज़े। ठीक है, किसानों को ज़रई काश्त के जदीद तरीकों के लिए यानी जितने भी जदीद तरीके हैं उनको काश्त करने के लिए उनको बिला सूद के कर्ज़े दिए जाएँ। ठीक है, क्योंकि जब हम उनको सूद के साथ कर्ज़े देंगे
जब हम उनको बिना सूद कर्जे देंगे वो ज़िराअत में जो है ज्यादा दिलचस्पी से काम करेंगे, ठीक है। और बिना सूद कर्जे देने के बाद ये नहीं करना है कि उनकी देखभाल नहीं करनी, बल्कि सूद पर कर्जे जब देंगे, बिना सूद जब कर्जे देंगे तो उसके बाद उसकी निगरानी करनी है कि क्या आया ये वो खर्च अपनी फसल पर ही कर रहे हैं, अपनी ज़िराअत पर ही कर रहे हैं या किसी और काम में इसको खर्च कर रहे हैं। यानी उस बिना सूद कर्जे की फिर निगरानी भी की जाए ताकि हमारी ज़िराअत को बेहतर से बेहतर करने में आसानी हो जाए, ठीक है। एक तो बिना सूद कर्जे देने हैं, कर्जे देने के बाद उनकी निगरानी भी की जाए ताकि वो उसको फजूल खर्ची में जाए ना करें, ठीक है। उसके बाद बारिशों के पानी को जखीरा करना, यह मतलब ये है कि यानी फसलों को जो पानी दिया जाता है उस तरह ट्यूबवेल यानी बारिशों के पानी को जखीरा कर लें। बारिशों का पानी जब जखीरा होगा उससे सिराब पर काबू पाने के अलावा डैम भी बनाएंगे तो उसके सिराब पर काबू पाने के अलावा बिजली भी इसे बना सकते हैं और इसको जो है ज़िराअत में पैदावार बढ़ाने के लिए भी इससे मदद ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्यूबवेल कुएं खोदने की हौसला अफजाई, बारिशों का पानी ये मुकम्मल नहीं होगा, पूरा नहीं होगा तो ट्यूबवेल कुएं खोदने की हौसला अफजाई की जाए। जितने भी किसान हैं उनकी जो है हौसला अफजाई करें कि वो ट्यूबवेल लगाए कुएं खोदें ताकि पानी को जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में ला सके और पानी को ज़ाया होने से बचाए। जब हम उनकी हौसला अफजाई करेंगे ट्यूबवेल लगाने की कुएं खोदने की तो इसमें ज्यादा दिलचस्पी लेंगे और बेहतर तरीके से जो है इसकी इस काम को सर अंजाम देंगे, ठीक है। उसके बाद सेमाफोर के लिए तवील मुद्दत मनसूबा बंदी, हमारे मुल्क में जो बहुत ज्यादा मसला है वो सेमाफोर का है। मैंने आपको बताया था कि इस सेम की वजह से जब वो अपनी काश्त करते हैं वो बीज डालते हैं क्योंकि जमीन जो है पानी को जज़्ब नहीं कर रही होती तो वो जो बीज उस जमीन के अंदर जाता है तो वो बीज ज़ाया हो जाता है, उससे हमारी जो है फसल वो अच्छी नहीं होती, वो बिल्कुल भी नहीं होती। कई बार और कहीं अगर होती है तो वो अच्छी नहीं होती और धुआं की वजह से भी हमारी फसल जो है अच्छी नहीं होती, ये बीज को दोनों ज़ाया कर देते हैं। तो इसके लिए तवील मुद्दत मनसूबा बंदी की ज़रूरत है, हमें ऐसे मनसूबे बनाने चाहिए ताकि हम सेम तौर पर जो है कंट्रोल कर सकें, इस रुकावट को दूर करें। जब हम इस रुकावट को दूर करेंगे, इस पर कंट्रोल करेंगे तो हमारी ज़िराअत जो है वो बेहतर तरीके में आगे बढ़ेगी। तो इसको जो है बेहतर तरीके से जब आगे बढ़ेगी तो फिर इसको जो है हम अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे और ज़िराअत को बेहतर बना सकेंगे, ठीक है। ये ऐसे तौर के लिए तवील मुद्दत मनसूबा बंदी की ज़रूरत। और सेमाफोर से बचाने के लिए एक और काम भी किया जा सकता है कि शजरकारी की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ ताकि वो सेम को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं और ढोर को भी खत्म कर देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब हम शजरकारी करेंगे तो सेमाफोर पर जो है कंट्रोल कर सकेंगे। उसके बाद काबिल काट रकबा, जितना भी हमारा काबिल काट रकबा है उसको मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जाए, इस्तेमाल में लाया जाए। बंजर और बैराज जमीन जितने भी हैं, बंजर और बैराज जमीन उनको भी काबिल काट बनाया जाए, ठीक है। यानी जितना काबिल काट रकबा है उसको ऐसे फ्री ना रखा जाए, क्योंकि जब हम फ्री रखते हैं उसको एक दो साल के लिए हम छोड़ देते हैं तो वो बेहतर तरीके से जो है हमें फसल नहीं देती, बल्कि जितना काबिल काट रकबा है उस सबको इस्तेमाल किया जाए और इसके साथ साथ जो बंजर जमीन है उनको भी काश्त के काबिल बनाया जाए। उसके बाद सहसी काश्त के जदीद तरीकों को फरोग देना, जितने भी काश्त के सहसी जदीद तरीके हैं उनको हम फरोग दें ताकि किसान जो है उसको इस्तेमाल करके अपने जो है ज़िराअत में बेहतरी ला सके, ठीक है। यानी गंदम चावल इस तरह तरीके जितनी भी हो गई है इनके लिए जो है बीज केमियाई खादें और इसी तरह और जितने भी सहसी तरीके का है उनको फरोग दें। जब हम उनको फरोग देंगे तो हमारी फसल जो है वो उतनी ही अच्छी होगी। उसके बाद है इस्तेमाल अराजी के लिए आसान और बेहतर कानून साजी, ठीक है। इस्तेमाल अराजी के लिए आसान और बेहतर कानून साजी क्या है, यानी जितने भी किसान को अपनी जमीन के लिए उसको ऐसे नाकामी अफवाह से बचाने के लिए इसी तरह नुकसान
नुकसान से बचाने के लिए इस्तेमाल आने के लिए सड़क और बेहतर कानून साजी की जाए ताकि किसान को इससे जो है नफा हो और वो गुजरात में जो है बेहतरी ला सके। ठीक है, उसके बाद सैलाबों और दीगर नाकानी आफात से बचाव की तदाबीर, यानी जितने भी दीगर नाकानी आफात है, सैलाब हो गए, इसी तरह दीगर नाकानी आफात आंधी हो गई, इसी तरह जितने जमीनी कटाव हो गया, इन सब पर जब हम कंट्रोल करेंगे, उनको बचाव की तदाबीर करेंगे, हमारी ज़राअत जो है वो बेहतर तरीके से काम करेगी। इससे कैसे हम करेंगे, यानी इसको हम दरियाओं में जो पुश्ते होते हैं उन पर पैदे बनाए जाए, उनके पैदों को गहरा किया जाए, और जो ज़राअत के पुश्ते होते हैं, दरिया के पुश्ते होते हैं, उन पुश्तों को जो है अच्छे तरीके से हम तामीर करें। ठीक है, ताकि हमारी जितनी भी दरियाओं की गहराई है वो जब ज़्यादा होगी, और इसी तरह जब हम किनारे पर पुश्ते ले तामीर करेंगे तो हमारे जो दरिया और सैलाब हैं उनसे जो है हमें बचाव की तदाबीर मिलेंगी, और जब ये आफात नहीं होगी तो हमारी जो ज़राअत है वो बेहतर होगी, क्योंकि सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा फसल जो है तबाह हो जाती है, और इसी तरह आंधी वगैरह हो गई, और इसी तरह अगर ज़मीन कटाव हो रहा है तो उसकी वजह से भी काबिल काश्त रकबा, और इसी तरह जो दूसरा रकबा होता है यानी काबिल काश्त रकबा और फसल भी, वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो इस वजह से जो है दरियाओं के पैदों को भी गहरा करें, और इसके अलावा किनारों पर पुश्ते तामीर किए जाएँ ताकि इनकी भी तदाबीर की जाए, ताकि हम जो है ज़राअत को अच्छे तरीके से सरंजाम दें। ठीक है, उसके बाद देखिए ये ज़रिए इजलास की बेहतर कीमत है। ठीक है, यानी ज़रिए इजलास की बेहतर कीमत क्या मतलब है, जब किसान प्राप्त करता है, जब उसको बेहतर कीमत नहीं मिलती तो वो ज़राअत की तरफ तवज्जो नहीं देता, वो किसी और काम को करने का सोच रहा होता है कि मैं जो है अपना कोई कारोबार शुरू कर दूँ या कोई खिलाफत कर लूँ, क्योंकि इसमें कोई खातर का इजाफा नहीं हो रहा, मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो ज़राअत को छोड़कर किसी और तरफ चला जाता है, जिससे हमारी ज़राअत को नुकसान पहुँचता है। क्योंकि एक किसान अगर उसको हम बेहतर कीमत दें, जितनी भी जरिए इजलास है उनको उसकी बेहतर कीमत दें, तो वो मुलाजमत को छोड़कर इसी तरह दूसरे कारोबारों को छोड़कर ज़राअत पर ज़्यादा तवज्जो देगा। जब ज़राअत पर वो ज़्यादा तवज्जो देगा तो हमारी जो ज़राअत होगी वो बेहतर होगी, उसको जब अच्छी कीमतें मिलेंगी तो वो बाकी कामों को छोड़कर ज़राअत पर तवज्जो देगा, और ज़राअत की तवज्जो पर जब देगा तो हमारी ज़राअत जो है वो बेहतर होगी और मुल्क भी तरक्की करने लगेगा। ठीक है, उसके बाद नकल व हमल की तरक्की, यानी किसान जब अपनी फसल को काट करता है उसके बाद क्या होता है कि उसको मंडी तक लाने के लिए रसाई नहीं होती, उसके पास ऐसे कोई ज़राए नहीं होते कि वो अपनी फसल को इसी तरह अपनी जो उसकी अजलास है उनको मंडियों तक ले आए, मार्केट रख ले आए। ठीक है, क्योंकि जब उसके पास नकल अमल की तरक्की नहीं होगी, नकल अमल नहीं होगी, उसको मंडियों तक लाने के लिए उसके पास कोई ऐसा जखीरा नहीं होगा, उसके पास ऐसा कोई ज़राए नहीं होगा जिसको वो मंडियों तक ला सकें, तो इसी तरह जब हम नकल अमल की तरक्की करेंगे, हम उसको तरक्की देंगे, उसको रोड देंगे, इसी तरह और भी जितनी नकल अमल के ज़राए हैं वो जब उनको सहूलियात देंगे तो वो अपनी जितनी भी फसल होगी उसको जब मार्केट में ले आएगा तो हमारी जो ज़राअत है वो भी बेहतर होगी, उसको भी अच्छे दाम मिलेंगे, और हमें जो सामान मिलेगा वो भी बहुत सस्ता मिलेगा। क्योंकि जब किसान जो है अपनी नकल अमल की वजह से फसल मंडी जो अपनी फसल होती है वो मंडी तक नहीं ले आ सकता, तो जहाँ पे जो सौदाकार होते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं, ये वहाँ जाकर उनसे सस्ते दामों लेते हैं और यहाँ आकर जो है बहुत ज़्यादा महंगे दामों फिरोख्त करते हैं। तो जब खुद किसान यहाँ चलकर मंडी तक आएगा, मार्केट तक आएगा, तो वो यहाँ आकर अपना भी फायदा होगा उसका, क्योंकि उसको भी अच्छे दाम मिलेंगे और हमें भी उनकी बनस्पत जो सौकार लेकर आते हैं सस्ता माल मिलेगा, सस्ती जो है चीज़ें मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे जो आज टॉपिक में क्या बोल रहे थे, हेडलाइंस बोल रही थी, हमने उसको डिस्कस किया है। ठीक है, अब जो है हम इसकी थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं, इसमें जो मुश्किल अल्फाज आ रहे होंगे, जिनकी समझ नहीं आई होगी, तो वो हम जो दोबारा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज़रिए मसाइल का हल, ये हम आपको इसकी रीडिंग शुरू करने लगे हैं, तो आप देखें पेज नंबर 88।
प्रॉब्लम। पाकिस्तान में जरिए मसाइल को हल करने के लिए कर्ज से इकदाम किए जा सकते हैं। किसानों को जरिए कार्ड के जदीद तरीकों के लिए विलासपूर्ण कर्ज दिए जाए और जरिए तरक्की के लिए इन कर्जों में इस्तेमाल की निगरानी की जाए ताकि कर्जों की रकम फजूल खर्ची में जाया ना की जाए। फसलों को पानी की फराहमी के लिए बारिशों का पानी डैम बनाकर जखीरा किया जाए जिससे सैलाब पर काबू पाने के अलावा बिजली की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। यदि सैलाब का भी हम काबू पा लेंगे और जो बिजली की पैदावार है उसको बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। जहाँ नहरी पानी की असर ना हो वहाँ ट्यूबवेल और कुएं खोदने की हौसला अफजाई की जाए। जहाँ पर नहरी निजाम ना हो वहाँ पर हम ट्यूबवेल और इस तरह कुएं खोदने की हौसला अफजाई करें। ट्यूबवेलों के लिए मुफ्त या बहुत कम रेटों पर जो है हम बिजली मुहैया करें। ठीक है, इसके बाद पाकिस्तान के जरिए तरक्की की राह में एक बड़ी रुकावट से हो रहा है जिसकी वजह से जरिए जमीन काबिल काज नहीं रहती। इस बीमारी पर काबू पाने के लिए तवील मुद्दत मनसूबा बंदी की जरूरत है ताकि काबिल काज रकबा को खराब होने से बचाया जा सके। सहमत तौर की वजह से खराब होने वाली जमीनों को दोबारा काज के काबिल बनाने के लिए इकदाम किए जाए और जमीन को कटाव से बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शजरकारी की जाए। काबिल काज रकबा को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जाए। बंजर और वीरान जमीन को काज के काबिल बनाया जाए। गंदम चावल और दीगर जरिए अजनास की फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए भी कीमियाई खादें और सैसी काज के जदीद तरीकों को फरोग दिया जाए। जरिए तहकीकती मिलाकर कैम किए जाए। इंतशार अराजी के नुकसान से किसान को बचाने के लिए इस्तेमाल अराजी के लिए आसान और बेहतर कदम साजी की जाए। सैलाबों और दीगर नाकामी अफात से बचाव की तदाबीर की जाए। दरियाओं के पैदे को गहरा करने के अलावा किनारों पर पुश्ते काबिल किए जाए। जरिए अजनास की बेहतर कीमतों के जरिए काश्तकारों की हौसला अफजाई की जाए। सैलाब पर मबनी सड़कों को फरोग देने के लिए किसानों को मुफ्त मशवरे और बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। इन सड़कों को मुतल्लिका इलाकों के करीब कैम किया जाए ताकि अगर वो इलाके से दूर होंगे तो फिर हुई जो हमारा ये फिर उसका मसला आएगा। तो जब ये सख्ती जितने भी इलाके इनके करीब होंगे तो वो किसान जो इससे ज़्यादा फायदा उठा सकेगा। मंडियों तक जरिए अजनास पहुँचाने के लिए ज़राए नकल हमल को तरक्की दी जाए। किसानों को मुफादात मंडियों में ताको फराम किया जाए। मंडियों के निजाम को जदीद बनाया जाए ताकि किसानों की हौसला अफजाई हो और ज़राअत तरक्की करे। तो फ्रेंड स्टूडेंट जो हमारा लेक्चर है यहाँ खत्म होता है। तो आज हमने जरिए मसाइल का हल पढ़ लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है पाकिस्तान की संदें पढ़ेंगे। तो आपने जो है इसको अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।